नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर के बारे में। जो ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर होता है, इसको हम DX इवेपोरेटर भी बोलते हैं। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर का क्या मतलब है? जो इसका नाम दिया गया है ड्राई, इसका मतलब ये नहीं होता ये बिल्कुल ड्राई होता है, यानी कि बिल्कुल सूखा होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कम लिक्विड होता है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर के साथ। जो फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर है और इसका अगर कंपेरिजन किया जाए, तो इसके अंदर काफ़ी कम लिक्विड होता है उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए इसको ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर बोल दिया गया है। तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं और ये क्या काम करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पे ये जो लगा है, ये लगा है एक्सपेंशन वाल्व, ये एक्सपेंशन वाल्व है। अब जो ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये हमारा कनेक्ट है ट्यूब के थ्रू इस बल्ब के साथ। ये जो बल्ब है, ये बल्ब क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। इसको हम फिलर बल्ब भी बोलते हैं, जो कि फील करता है, तो फीलर बल्ब भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एक्सपेंशन है, और ये क्या है, ये इवेपोरेटर की ट्यूबिंग्स हैं। तो ये इवेपोरेटर की ट्यूब्स हैं, जिनसे क्या होगा, जो रेफ्रिजरेटर हैं, जो रेफ्रिजरेशन, जो हमारा फ्लूड है, वो इसके अंदर से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे यहाँ से फ्लूड आएगा, कहाँ से, ये कनेक्ट है लिक्विड लाइन के साथ। लिक्विड लाइन मतलब जो कि कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करेगा, जो हमारे वेपर्स होते हैं उनको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करता है। तो लिक्विड लाइन ये है उसके बाद। तो लिक्विड जो है एक्सपेंशन वाल्व पे जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व से वो दोबारा लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के अंदर कन्वर्ट होगा, और इसके अंदर से वो सर्कुलेट करेगा। अब देखिए, जैसे जैसे वो सर्कुलेट करेगा, तो उस रीजन की वो हीट लेगा और ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वेपर्स हैं वो हमारे जाते हैं इस तरफ, कहाँ पे जाते हैं इवेपोरेटर के बाद, वो जाते हैं कंप्रेसर के पास। तो ये जाएंगे कंप्रेसर के पास। अब देखिए, जो लो प्रेशर वेपर गए हैं, ये कंप्रेसर के पास जा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू लोड, देखिए जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये जो बल्ब है सेंस करेगा, और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंड करेगा, और ये एक्सपेंड करेगा तो ये एक्सपेंशन वाल्व से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये इसको ओपन कर देगा, और जो लिक्विड जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो और ज़्यादा यहाँ से एंटर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लोड ये काम करता है, जितना यहाँ पर कम टेम्परेचर होगा उतना ही ये कम एक्सपेंड होगा और ये कम ओपन होगा वाल्व। तो इस तरह से ये वाल्व को एक तरह से ऑपरेट करता है कि कितना हमें, कितना लोड इवेपोरेटर के ऊपर पड़ रहा है और कितना हमें सप्लाई चाहिए। तो ये दोनों को बैलेंस करता है, और अकॉर्डिंग टू लोड क्या करता है, ये ऑपरेट करता है और सप्लाई देता है जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये है हमारा ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।